नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। और आज किस्सा सुनिए मशहूर उर्दू शायर मजाज लखनवी का। मजाज जो कि उर्दू शायरी के कीट्स कहे जाते थे, हमारे वक्त के मशहूर फिल्मी गीतकार जावेद अख्तर के मामू थे। और ये बात भी जान लेनी चाहिए कि मजाज ने खुद एक ज़माने में बम्बई जाकर फिल्मों में गीत लिखने का काम ढूंढा था, मगर उनका तजुर्बा कुछ अजीबोगरीब रहा था। तो किस्सा इसी से जुड़ा हुआ है कि मजाज साहब बम्बई पहुंचे, फिल्मों में गीत लिखने का काम ढूंढ रहे थे, साहिर लुधियानवी भी उनके साथ थे, ये दोनों मिलकर स्ट्रगल किया करते थे, जद्दोजहद किया करते थे। एक दफ़ा ये दोनों कहीं जा रहे थे, इन्हें एक आदमी मिला, तो वो आदमी मजाज के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका था। उसने जब मजाज को देखा तो बड़ा खुश हुआ, उनसे पूछा कि भाई मजाज तुम यहाँ कैसे। मजाज ने उस आदमी को बताया कि भाई मैं आजकल यहाँ फिल्मों में गीत लिखने का काम ढूंढ रहा हूँ। इस पर वो आदमी और खुश हुआ, उसने मजाज से कहा कि भाई बड़ा अच्छा हुआ, मैं आजकल फिल्म प्रोड्यूसर बन गया हूँ और फिल्में बनाता हूँ, और मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ जिसकी सिचुएशन मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम इस फिल्म के लिए गाने लिखो, कल मेरे पास आओ कोई गीत लिखकर इस सिचुएशन पर, और फिर हम आगे बात करेंगे। अब मजाज और साहिर बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि भाई कुछ काम आ गया। रात भर दोनों लोगों ने मिलकर, साहिर और मजाज ने मिलकर लैंप की रोशनी में एक गाना लिखा, और अगले दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचे। मजाज को ये उम्मीद थी कि ये गीत बड़ा अच्छा लिखा गया और प्रोड्यूसर तो बहुत खुश हो जाएगा इसे सुनकर। तो मजाज ने वो पर्चा जिस पर वो गीत लिखकर ले गए थे वो प्रोड्यूसर को दिया, साहिर उनके साथ थे। प्रोड्यूसर ने वो गीत पढ़ा और फिर एक ठंडा से रिएक्शन दिया कि गीत तो अच्छा लिखा है, मगर कुछ और अच्छा लाओ, कोई और अच्छी बात लाओ। बात बनी नहीं। अब मजाज लखनवी को तो इस रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं थी, उन्हें तो आदत थी अपनी शायरी पर वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, मुकर्रर मुकर्रर सुनने की। उर्दू के मशहूर शायर मजाज लखनवी, जिसकी शोहरत ऐसी थी कि दास्तानवी शोहरत कहलाती थी। तो मजाज से जब उस प्रोड्यूसर ने यह कहा कि भाई अच्छा है लेकिन कुछ और अच्छा लेकर के आओ, बात नहीं बनी, तो मजाज थोड़ी देर को सदमे में आ गए। वो एकदम खामोश हो गए, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो कांपने लगे। जब ये हालत मजाज की देखी उस प्रोड्यूसर ने और साहिर ने, तो दोनों ने मजाज को संभाला और प्रोड्यूसर ने मजाज से पूछा कि भाई मजाज तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। मजाज वहाँ से बिना कुछ कहे वापस आ गए और उन्होंने साहिर से कहा कि भाई मैं अब ये काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो जब मजाज लखनऊ जा रहे थे बम्बई स्टेशन पर, साहिर उन्हें छोड़ने के लिए आए, साहिर ने मजाज से कहा कि मजाज साहब आपका तो लखनऊ में घर है तो आप वापस जा सकते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा, और मेरा वादा है आपसे कि जब आप अगली बार बम्बई आएंगे तो मैं आपको स्टेशन लेने अपनी अपनी गाड़ी से आऊँगा। मजाज तो लखनऊ चले गए, वापस वो बम्बई आ ही नहीं सके। 1955 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन तारीख गवाह है कि बहुत ही थोड़े वक्त बाद साहिर लुधियानवी की लिखी हुई एक फिल्म बहुत हिट हुई, और उस फिल्म से हुई कमाई के बाद साहिर लुधियानवी ने अपनी कार खरीद ली। तो साहिर और मजाज के बीच का एक मशहूर वाकया ये भी है कि मजाज शराब बहुत पीते थे, हालांकि शराब साहिर भी पीते थे, लेकिन एक दफ़ा साहिर ने मजाज को टोका कि भाई मजाज ये आप इतनी शराब मत पिया करें, और इतनी शराब क्यों पीते हैं आप। तो मजाज को ये जो नसीहत थी अपने दोस्त की ये अच्छी नहीं लगी, और मजाज ने एक जुमला कहा कि मैंने पी शराब और तुमने क्या पिया, आदमी का खून। तो ये बात साहिर को इतनी लगी कि बरसों बाद उन्होंने एक फिल्म के लिए मजाज का यही जुमला शब्दशः एक गाने में इस्तेमाल किया कि मैंने पी शराब तुमने क्या पिया आदमी का खून। तो ये थी मजाज लखनवी और साहिर लुधियानवी की दोस्ती। शुक्रिया।